एक्शन, तो एक्शन के साथ शुरू करते हैं हम लोग भी अपना एक्शन। एक्शन जब करेंगे तभी रिएक्शन होगा, जब रिएक्शन होगा तभी कुछ प्रोडक्ट बनेगा। आइए देखा जाए क्या रिएक्शन करनी है। तो अब आपको मैं ये सिखाना चाहता हूँ, जो बॉडी वेट्स हैं जिनमें वर्टिकल कॉलम है उनमें जो हार्ट है वो मस्कुलर है। आप अपना हार्ट निकाल के चेक कर लीजिए, वो मसल्स का ही बना है, कहीं पर भी बोन्स उसमें नहीं पाई जाती। दिमाग में सेट करिए, हाँ बोन्स से प्रोटेक्ट है वो बात दूसरी, लेकिन बोन्स का बना नहीं है, मसल्स का ही बना हुआ है। तो पहली बात तो हो गया कि हार्ट जो है मस्कुलर है। और दूसरा अगर आप देखें तो बायोलॉजी में पीठ की जो साइड है उसे हम लोग डॉर्सल साइड कहते हैं और पेट का जो साइड है उसे हम लोग वेंट्रल साइड कहते हैं। तो अगर आप अपना हार्ट चेक करें तो आपको जो हार्ट है वो यहाँ पे है, दिल यहाँ धड़क रहा है। जो आपने गाने सुने हैं दुपट्टा सरक रहा है, दिल धड़क रहा है, जिया धड़क धड़क जाए। तो जिया क्यों धड़क धड़क जाए? जिया इसलिए धड़क धड़क जाए क्योंकि जिया को धड़काने वाला पेस मेकर है, जिया खुद को धड़काता है। जिया किसको धड़काता है? खुद को धड़काता है। तो आइए देखा जाए जिया कैसे धड़काता है। तो अगर आप एनिमल किंगडम में देखें तो जितने भी कार्डेट्स हैं, अगर आप कभी कार्डेट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखें, कार्डेट्स अगर आप देखें तो कार्डेट्स में मेनली जो है चार पांच ग्रुप आते हैं। फिशेस आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, वर्ड्स मैमल्स आते हैं। तो कार्डेट्स जो है इनमें खास बात है कि प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर हार्ट। इन कार्डेट्स में जो हार्ट है वो मस्कुलर है, मतलब मसल्स का बना हुआ है। और अगर कोई चीज मसल्स की बनी है तो उसकी जो ओरिजिन होगी वो मेसोडर्म होगी। ये जो मस्कुलर शब्द लगा है इसका अगर डायरेक्ट रिलेशन देखा जाए तो यहाँ मसल्स कौन सी हैं हार्ट में, आप कहेंगे क्या सर जिंदगी बीत गई है सीखे। इन्हों हम लोग कार्डियक मसल्स कहते हैं। अगर आप इनका हिंदी देखें तो इसका मतलब हृदय की पेशियां होती है। वो पेशियां, वो मसल्स जो हृदय में पाई जाती हैं, हार्ट में पाई जाती हैं, उन मसल्स को हम लोग हृदय की पेशियां कहते हैं। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, अगर दिल की धड़कन में आदमी रहेगा तो भैया बताइए हाँ दिल क्या करेगा, पंप करना छोड़ देगा, आप भी तो ऐसे ही मर जाएगा। समझ में नहीं आता मुझे कैसे लोग लिख देते हैं। तो अगर किसी में मस्कुलर हार्ट है, मसल्स का हार्ट है, पहली बात आप देख लीजिए। ह्यूमन के बारे में पहले हम लोग बेसिक बात करें कार्डेट्स में। दूसरी बात यह है कि जितने भी कार्डेट्स हैं उनपे देखिए प्रेजेंस ऑफ हार्ट ऑन डॉर्सल वेंट्रल साइड। अगर आप किसी भी कार्डेट को देखते हैं तो उसका जो हार्ट है वो हमेशा वेंट्रल साइड है, मतलब पेट की तरफ है। किसी भी एनिमल में अगर आपको हार्ट वेंट्रल साइड दिखाई पड़ता है तो हार्ट किस तरह है, वो कार्डेट्स है। तीसरी बात देखिए, ये जितना भी कार्डेट का हार्ट है ये सब का सब हार्ट मायोजेनिक हार्ट है, मतलब ये हुआ कि ऑटो एक्साइटेबल है, अपने आप एक्साइटेबल है। इसमें खास तरह की मसल्स पड़ी हैं जो हार्ट बीट को जनरेट करती हैं। अगर आप देखें बेटा तो कार्डेट्स में ये देखिए, फिशेस में अगर आप देखें तो फिशेस में दो चैम्बर का हार्ट है। फिशेस में कितने चैम्बर का हार्ट है ये देखिए, दो चैम्बर का हार्ट है, मतलब जो फिश है उसमें हार्ट ही दो चैम्बर का है। आप हार्ट के चैम्बर कैलकुलेट करके फाइलम बता सकते हैं, फाइलम तो कार्डेटा है लेकिन आप उसकी क्लास वगैरह बता सकते हैं। इसी तरह से देखती अगर आप एम्फीबियंस देखें, ये देखिए अगर आप एम्फीबियंस देखें, एम्फीबियंस और दूसरा अगर आप रेप्टाइल्स देखें, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में एक आदमी को छोड़ के किसे, क्रोकोडाइल को। तो क्रोकोडाइल्स के आगे चाहे आप ब्रेकेट में लिख रहे हैं तो आप गलती कर बैठेंगे, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे गलती हो जाए। तो अगर आप रेप्टाइल्स में देखें, फिशेस और एम्फीबियंस में जो हार्ट है वो तीन चैम्बर का है, मतलब अब सोचिए हार्ट का इवोल्यूशन भी कैसे हो रहा है। जब हार्ट बना होगा फिश में पहले दो चैम्बर का बना होगा, फिर वो तीन चैम्बर का बना होगा एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में, फिर देखो बेटा ये देखिए यहाँ पर आप लिख लीजिए क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल क्या है, ये एकमात्र रेप्टाइल है। ये आप यहाँ ब्रेकन में लीजिए कि सर ये रेप्टाइल है, क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स हो गया। दूसरा देखिए एवीज, अगर आपको एवीज नहीं समझ में आ रहा तो आप बर्ड्स लिख सकते हैं, चिड़िया में। और देख बेटा दुनिया का टॉप एनिमल जिसकी दुनिया पूजा कर रही है, अपनी भी पूजा करता है दूसरे भी पूजा करता है, इसमें जो हार्ट है वो फोर चैम्बर का है। कितने चैम्बर का हार्ट है, फोर चैम्बर का हार्ट है। ये देखिए इसका अगर हम लोग टेबल बनाए तो इस तरह से, अगर आप इसमें देखें ह्यूमन मतलब कॉर्डेट्स में देखें
तो मस्कुलर हार्ट है, हार्ट की जो मसल्स उन्हें कार्डियक मसल्स कहते हैं। ये हार्ट जो है वेंट्रल साइड में है, मायोजेनिक हार्ट है। फिश पे हार्ट 2 चैम्बर का है, एम्फीबियस रेप्टाइल्स पे हार्ट 3 चैम्बर का है, क्रोकोडाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में हार्ट 4 चैम्बर का है। अब आइए इनके अगर हम लोग चैम्बर्स की बात कर लें, तो हार्ट में कभी भी याद रखिएगा हमेशा जो अपर चैम्बर होते हैं, ऐसे याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। अपर चैम्बर को हार्ट में आर्किल कहते हैं, ऐसे पहले याद करिए। ऊपर का जो चैम्बर होता है हार्ट का, उसे क्या कहते हैं? उसे आर्किल कहते हैं। एक चीज याद हो गई, ये हिंदी में इसे आलिंद कहते हैं। तो अपर चैम्बर को आर्किल कहते हैं, और जो लोअर चैम्बर होता है, मतलब जो नीचे का चैम्बर होता है, लोअर चैम्बर जो होता है, उसे हार्ट के लैंग्वेज में हम लोग वेंटिकल कहते हैं। तो आपको ये दो बात सबसे पहले याद हो जानी चाहिए, अपर चैम्बर को आर्किल कहते हैं, लोअर चैम्बर को वेंटिकल कहते हैं। कभी भी हार्ट होगा तो उसके अपर चैम्बर को आर्किल कहेंगे, लोअर चैम्बर को वेंटिकल कहेंगे। अब अगर आपसे मैं कहूं टेबल बना दिया जाए, टेबल बना दिया जाए, टेबल बनाने से हमें तमाम चीजें पता चल जाएंगी। तो अगर आप टेबल बनाना चाहते हैं तो ये देखिए, सबसे पहले लिखिए ग्रुप, किस ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, ग्रुप बात कर लीजिए। तो अगर आप ग्रुप बात करते हैं तो यहाँ लिखिए, पहले ग्रुप के नाम लिखिए। एक ग्रुप है जिसपे फिशेस में देखना है, एम्फीबियंस में देखना है, ये देखिए फिशेस में, एम्फीबियंस में, और लिख लो बेटा रेप्टाइल्स में, क्रोकोडाइल छोड़ दीजिए, रेप्टाइल्स में, फिर देखो बेटा बर्ड्स में, फिर किस पे बेटा मैमल्स में, ये 5 ग्रुप हो गए। बोली हाँ सर 5 ग्रुप तो हो गए। ऐसे इसका एक टेबल खींच दीजिए ताकि देखने में अच्छा लगे, क्योंकि जब कोई चीज देखने में अच्छी लगेगी तभी तो उसकी कोई वैल्यू होगी। तो अब आप देखिए, सबसे पहले आपने ग्रुप तो टर्न से लिख दिया यहाँ पे ये। अब आप यहाँ लिखिए कि हार्ट के चैम्बर कितने हैं, हार्ट के चैम्बर कितने हैं। सबसे पहले आप ये बात एक्सप्लेन करें। तो अगर आप फिश पे देखें तो जो हार्ट के चैम्बर हैं, ये यहाँ पर हार्ट 2 चैम्बर का है, लिख दिया आपने भाई, देखिए हार्ट जो है यहाँ पर 2 चैम्बर का है, लिखा, लिख दिया। अभी और डिटेल देखेंगे, चिंता नहीं करनी है। यहाँ पर भी हार्ट कितने चैम्बर का है, यहाँ पर जो हार्ट है एम्फीबियंस में भी, एम्फीबियंस में जो हार्ट है वो 3 चैम्बर का, ये देखिए यहाँ पर भी हार्ट कितने चैम्बर का है, 3 चैम्बर का है, मतलब हार्ट में चैम्बर है। लेकिन अगर आप बर्ड्स और मैमल्स में देखें तो यहाँ पर हार्ट कितने का है, यहाँ पर हार्ट 4 चैम्बर का है, ये देखिए यहाँ पर भी हार्ट 4 चैम्बर है। मतलब मैं अभी आपको फिगर बना बना के सिखाता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके पहले आप ये बेसिक बात सीख जाए। तो अब आपने क्लियर कर लिया कि किस ग्रुप में कितना हार्ट का चैम्बर है, ये देखिए। तो फिश में 2 चैम्बर का है, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर का है, बर्ड्स और मैमल्स में हार्ट कितने चैम्बर का है, 4 चैम्बर का है। अब अगर आप देखें तो अब आपको देखना है कि अपर चैम्बर को क्या कहते हैं, आर्किल, और लोअर चैम्बर को क्या कहते हैं, वेंटिकल। ऐसे आप लिख लीजिए, अपर चैम्बर को क्या कहते हैं, आर्किल, और लोअर चैम्बर को क्या कहते हैं, वेंटिकल। तो आप ऐसे इसको खींचिए यहाँ, इससे यहाँ लिखिए, इसमें आर्किल की संख्या 1 है, इसमें आर्किल की संख्या 2 है, इसमें आर्किल की संख्या 2 है, इसमें आर्किल की संख्या 2 है, इसमें भी आर्किल की संख्या 2 है। मतलब फिशेस में आर्किल 1 चैम्बर का है, लेकिन एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स और मैमल्स में आर्किल संख्या 2-2 है। अगर आप वेंटिकल्स की बात करें तो फिशेस में वेंटिकल 1 है, एम्फीबियंस में वेंटिकल 1 है, यहाँ पर वेंटिकल्स 1 है, लेकिन इन दोनों केसेस में वेंटिकल्स की संख्या 2 है। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे, पहली बात तो मैं ये आपके दिमाग में किसी तरह से ये डाल देता कि ये जो भी पढ़ाया जा रहा है ये एनसीईआरटी से पढ़ाया जा रहा है, तो आपको पढ़ाना आसान हो जाता, तब आपको पढ़ाना आसान हो जाता। अब आप देखिए इसका जो अगला है, सर्कुलेशन का टाइप दिया गया है, ये देखिए। तो अगर आप देखें, यही चीज है जो आपको नहीं समझ में आएगी, तो मैं यहां लिख देता हूं कि टाइप ऑफ सर्कुलेशन क्या है, टाइप ऑफ सर्कुलेशन, किसमें किस तरह का सर्कुलेशन है, ये बात सीखनी है आपको।
तो अगर आप टाइप ऑफ सर्कुलेशन जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इसमें देखिए जो फिशेस हैं इनमें सिंगल सर्कुलेशन है। सिंगल सर्कुलेशन क्या है मैं आपको भी पढ़ा देता हूं। एम्फीबियंस में अगर आप देखें तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। इनकम्प्लीट कौन सा सर्कुलेशन है? डबल सर्कुलेशन है। आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये पूरी बातें लिखी हुई है। मतलब फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन है, लेकिन अगर आप एम्फीबियंस में देखें तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। रेप्टाइल्स में भी देखें तो सेम केस है, क्योंकि हार्ट के चैम्बर भी सेम है। तो ये देखिए यहां पर भी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। रेप्टाइल्स केस में भी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। लेकिन अगर आप बर्ड्स के केस में देखें तो देखिए थोड़ा सा फर्क आ जाता है। बर्ड्स के केस में ये देखिए बेटा डबल सर्कुलेशन है, ऐसे लिख सकते हैं। इनके भी केस में कौन सा सर्कुलेशन है? आप ऐसे लिख लीजिए कि सर डबल सर्कुलेशन है। ये देखिए तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये चार्ट है एनसीईआरटी में। चार्ट तो नहीं बनाया गया है, लेकिन एनसीईआरटी ने थोड़ा थोड़ी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें एक्सप्लेन की हैं। मतलब ऐसा उन्होंने लिख लिख के एक्सप्लेन किया है, हमने क्या किया उसका एक चार्ट बना दिया है ताकि आपको बहुत तेजी से ये बात समझ में आ जाए, आप किसी बात को अच्छे से समझ जाए। अब आपको मुझे सिखाना पड़ेगा कि फिश के हार्ट में यहाँ सिंगल सर्कुलेशन क्यों लिखा गया है, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स के हार्ट में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्यों लिखा गया है, बर्ड्स और मैमल्स के हार्ट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों के चैम्बर तो सेम है, आर्टिकल वेंट्रिकल की भी संख्या सेम है, टाइप ऑफ सर्कुलेशन भी सेम है, लेकिन कुछ तो फर्क होगा भाई, कुछ तो फर्क होगा। एक बात आप देख लें सीधे सीधे, हार्ट की जो साइज होती है, हार्ट की जो भी साइज होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ बॉडी होती है। साइज ऑफ बॉडी होती है मतलब अगर किसी भी एनिमल की बॉडी की साइज छोटी है तो उसका हार्ट बड़ा होगा, और किसी एनिमल की बॉडी हार्ट साइज सॉरी ये हार्ट बीट का कॉन्सेप्ट है, मैंने जो गलत लिख दिया इसमें, हार्ट बीट का कॉन्सेप्ट है कि छोटे एनिमल की हार्ट बीट बड़ी होगी, ज्यादा होगी, लेकिन बड़े एनिमल की हार्ट बीट कम होती है। अब आपको मुझे सिखाना चाहिए कि सबसे पहले वीनस हार्ट क्या होता है। ये आपको ये बार बार आएगा और आपको पंच करेगा, इसलिए मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि वीनस हार्ट क्या होता है। ये पहला हार्ट है जो आपको मैं सिखाना चाहता हूं। तो अगर आपको वीनस हार्ट के बारे में एक्सप्लेन करना है, समझना है, वीनस माने अशुद्ध होता है, अगर इसमें से ओ हटा दे तो शुद्ध हो जाएगा वो। तो वीनस हार्ट मतलब अगर आप लिखें तो प्रेजेंट इन फिशेस, ये हार्ट जो होता है फिशेस पे पाया जाता है। ये देखिए मतलब अगर आप फिशेस में देखें तो आपको ये हार्ट मिलेगा वीनस हार्ट। तो फिशेस का जो हार्ट है कितने चैम्बर का हार्ट है? ये जो हार्ट है ये दो चैम्बर का हार्ट है। कितने चैम्बर का है? दो चैम्बर का हार्ट है। तो इसे वीनस हार्ट क्यों कहते हैं? अगर आप इसे वीनस हार्ट देखें दो चैम्बर की इस हार्ट को, तो वीनस हार्ट इसलिए कहते हैं कि दे इट रिसीव, ऐसे पूरी बात लिख देते हैं, फिर मैं आपको फिगर बना दिखाता हूं। इट रिसीव एंड पंप कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इट रिसीव एंड पंप कौन सा ब्लड बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव भी करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप भी करता है, इसलिए इसे हम लोग वीनस हार्ट कहते हैं। जो ये वीनस हार्ट है जिसमें दो चैम्बर का हार्ट है, इसमें जो सर्कुलेशन है वो सिंगल सर्कुलेशन है। अब आपको ये बात मैं फिगर से सिखाना चाहता हूँ। फिगर से अगर आप इसको देखें, मान लीजिए अगर आपको इसका फिगर देखना है तो कैसे समझेंगे कि वीनस हार्ट क्या होता है? तो अगर आप देखें तो जैसे हमारे फेफड़े में ऑक्सीजनेशन होता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ऐसे फिशेस में तो लंग्स तो है नहीं, तो वहां पर जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो गिल्स के द्वारा होता है। तो मान लेते हैं ये हमारा हार्ट है, हमारा नहीं फिश का हार्ट है। ये देखिए ये फिश का हार्ट है। इस ऊपर वाले चैम्बर को हम लोग आर्किल कहते हैं, मैंने आपको पहले बताया है, और नीचे वाले चैम्बर को हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं। कभी भी हार्ट में यही लिखा ही जाता है, मैंने ये बात यहां लिख दी कि अपर चैम्बर को आर्किल और लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल कहा जाता है किसी भी हार्ट में, कहीं पर भी आप देखें तो। अब आप देखें हो क्या रहा है, एक्चुअली हो ये रहा है
कि अगर आप देखें तो ये बॉडी टिश्यू से ये जो आर्किल है, यहां देख लें आप, ये बॉडी के टिश्यू से ये जो हार्ट है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है। समझ ले आप, मतलब फिश की बॉडी के जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सब आर्किल में आता है। उस ब्लड में किसका कंसंट्रेशन हाई है? CO2 का है। तो इसने कौन सा ब्लड रिसीव किया? ऑक्सीजनेटेड। तो अभी आपने लिखा है, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड, अभी आपने लिखा है कि इट रिसीव्स एंड पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, मुझे लिखना चाहिए था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड नहीं है तो घबरा जाएगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड माने क्या हुआ? मतलब अगर आपको ये ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड नहीं भी आता ये भी सीख लीजिए। ऑक्सीजनेटेड माने हुआ वो ब्लड जिसमें किसका कंसंट्रेशन हाई है? O2 का। और डीऑक्सीजनेटेड माने क्या हुआ? वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड वाले वो ब्लड जिसमें किसका लेवल हाई है? CO2 का। तो ये पंप और रिसीव कर रहा है किस ब्लड को, मैं इसको एकदम क्लियर लिखना चाहता हूँ कहीं आप गलती ना कर बैठे। इट रिसीव्स एंड पंप्स किस पंप ब्लड को? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने जिस पेन से बनाया उसी पेन से इसको लिख दिया है। तो बॉडी टिश्यू से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है अपने आर्किल्स में। आर्किल्स से ये ब्लड वेंटिकल में जाता है और वेंटिकल से यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें CO2 का कंसंट्रेशन हाई है ये गिल्स में जाता है। ये देखिए गिल्स वो लोकेशंस हैं बॉडी में, इसकी वो लोकेशंस हैं जिससे CO2 चला जाता है। कहाँ पे CO2 चला जाता है? पानी में। और पानी से इसको मिल जाती है क्या? O2। फिर देखिए गिल्स से जो ब्लड बॉडी टिश्यूज के लिए जाता है वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है। तो अगर आप सोचिए तो ये हार्ट कौन सा ब्लड रिसीव कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। किसे पंप कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। तो आखिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कहाँ हो रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स से बॉडी टिश्यूज के लिए केवल पंप हो रहा है। अब अगर आप देखिए तो ये हार्ट टोटल ब्लड कितनी बार पंप कर रहा है? ध्यान से देखिए, इसने बॉडी टिश्यूज को ब्लड एक बार ऐसे रिसीव किया आर्टिकल में, फिर आर्टिकल से अपने आप वेंटिकल में गया और वेंटिकल से सीधे पंप हो गया। तो इसने पंप कितनी बार किया? रिसीव भी एक बार किया, पंप भी एक बार किया ब्लड को। इस तरफ के सर्कुलेशन को हम लोग सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। सिंगल सर्कुलेशन की मतलब हुआ कि हार्ट द्वारा ब्लड पंप करने से पहले हार्ट में ब्लड कितनी बार आया। तो मैं अगर आपसे पूछूं वेंटिकल में ब्लड पंप करने से पहले इस वेंटिकल में ब्लड कितनी बार आया, तो आप कहेंगे सर एक बार आया। इस तरह के सर्कुलेशन को हम लोग सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। कौन सा सर्कुलेशन कहते हैं? सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। तो अब आप ध्यान से देखिए मैंने क्या पढ़ाया आपको। ये देखिए फिश है, दो चैम्बर का हार्ट है, एक आर्किल है, एक वेंटिकल है, सिंगल सर्कुलेशन है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बॉडी टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्किल्स में जा रहा है, एक ही आर्किल है, वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू वेंटिकल्स में चला जा रहा है और यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स को पंप हो रहा है। गिल्स में एक्सचेंज ऑफ प्रोसेस हो रहा है और जब गिल्स में एक्सचेंज ऑफ प्रोसेस होता है तो गिल्स से शुद्ध ब्लड बॉडी के लिए जाता है। मतलब गिल्स से ही शुद्ध ब्लड बॉडी के लिए जाता है और कहीं पर भी शुद्ध ब्लड की कोई भी ये हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर रहा है। इस तरह के हार्ट को जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करे, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करे, इस तरह के हार्ट को हम लोग कौन सा हार्ट कहते हैं? ये देखिए लिखा हुआ है वीनस हार्ट। अगर आप वीनस हार्ट की शुद्ध हिंदी लिखे तो इस तरह के हृदय को हम लोग अशुद्ध हृदय कहते हैं। यहाँ अशुद्ध हृदय मतलब ये नहीं हुआ कि उसने जो है कोई गंदी चीज छू लिया है। यहाँ अशुद्ध हृदय का मतलब हुआ कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करे, इस तरह के हार्ट को हम लोग वीनस हार्ट कहते हैं। तो अब आप देखिए ये पहला क्लियर हो गया। सिंगल सर्कुलेशन माने हार्ट द्वारा ब्लड पंप करने से पहले हार्ट ब्लड कितनी बार आया। तो जितनी बार हार्ट में ब्लड आएगा उसी के नाम पे सर्कुलेशन का नाम दिया जाता है। तो कितनी बार आया? एक बार आया, एक के लिए लिखा गया सिंगल। पंप हुआ तो सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन। तो ये देखिए फिशेस पे दो चैम्बर का हार्ट है, एक आर्किल एक वेंट्रिकल और सिंगल सर्कुलेशन पहला मैंने पढ़ा दिया। अब आइए देखिए एम्फीबियंस रेप्टाइल्स बर्ड्स और मैमल्स की क्या स्थिति है, इसको देखा जाए। अब आप बेटा देखो मैंने आपको बताया सिंगल सर्कुलेशन फिशेस में होता है,
ये जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी ने थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, हमें सीखना भी पड़ेगा, बिना सीखे हम मतलब कुछ कर नहीं सकते हैं, जरूरी है। तो अब देखिए बोर्ड में दूसरी बात लिखी है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, तो अगर आपको लिखना होगा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहाँ पाया जाता है, तो आप लिखेंगे सबसे पहली बात तो सर ये पाया जाता है प्रेजेंट इन हार्ट ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड रिप्टाइल्स। अगर आपको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखना है तो आपको दो लोगों के हार्ट में देखना पड़ेगा जहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। एम्फीबियंस और रिप्टाइल्स के केस में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। क्या है ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्या मीनिंग होता है? अगर आप एम्फीबियन और रिप्टाइल्स देखें तो इनमें जो हार्ट है वो थ्री चैम्बर्ड हार्ट है, मतलब हार्ट में थ्री चैम्बर्ड हार्ट है। ये देखिए थ्री चैम्बर्ड हार्ट पे अगर आप देखें तो इसमें बेटा ऊपर के दो चैम्बर हैं जिनको आर्किल्स कहते हैं, ये देखिए दो आर्किल्स हैं ऊपर के चैम्बर्स, और नीचे का एक चैम्बर है जिसे वेंटिकल्स कहते हैं, मतलब वेंटिकल जो है वो एक कॉमन चैम्बर है, दो चैम्बर का हार्ट है। अगर आप देखें, अगर इसका फिगर देखें, फिगर समझने का प्रयास करें, मान लीजिए ये हार्ट है इनफिशेस और एम्फीबियंस का, सॉरी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का, ये हार्ट है, इस तरह से एक हार्ट है ये। तो इस हार्ट में अगर आप देखें तो ये ऊपर के दो चैम्बर्स हैं ये, अगर आप इन चैम्बर्स का नाम देखें तो इन चैम्बर्स में ये है राइट आर्किल इस तरफ वाला, तो ये देखिए इस चैम्बर का नाम है आर ए का मतलब हुआ राइट आर्किल, लेकिन जो दूसरा चैम्बर है उसे हम लोग कहते हैं एल ए माने हुआ लेफ्ट आर्किल, राइट आर्किल और लेफ्ट आर्किल। अगर आपको मतलब आर ए मतलब राइट आर्किल और एल ए माने लेफ्ट आर्किल। अब अगर आप देखें तो ये जो राइट आर्किल है, ये जो हमारा राइट आर्किल है, ऐसे आप देख लें जो राइट आर्किल है, पूरी बात चाहे आप इसे क्लियर कर लें, राइट आर्किल रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी। ये जो राइट आर्किल है ये पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है। आर्किल्स को रिसीविंग चैम्बर भी कहा जाता है, वेंटिकल्स को पंपिंग चैम्बर भी कहा जाता है। तो ये देखिए पूरी बॉडी से वो ब्लड इसमें आ रहा है। एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, इसी राइट आर्किल के आगे एक चैम्बर है, इस चैम्बर का नाम साइनस वेनोसस है। कहीं कहीं लोग पूछते हैं कि साइनस वेनोसस क्या है, तो ये साइनस वेनोसस एडिशनल चैम्बर है। और जब राइट आर्किल में बॉडी से, या चाहे आप इसे लिख लें कि बॉडी से इस राइट आर्किल में कौन सा ब्लड आता है, हायर कंसेंट्रेशन है किसका, CO2 का। तो राइट आर्किल से जो बॉडी में ब्लड आता है, बॉडी से जो भी इस ब्लड आ रहा है राइट आर्किल में, वो ब्लड पहले किस में जाता है, साइनस वेनोसस में, फिर साइनस वेनोसस से वो राइट आर्किल में जाता है। ये बात आपको सीखना है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि साइनस वेनोसस क्या है फ्रॉग के केस में, तो आपको अगर आपको साइनस वेनोसस लिखना होगा कि साइनस वेनोसस क्या है, तो आप कहेंगे सर ये एडिशनल चैम्बर, ऐसे आप लिख लें एडिशनल चैम्बर इन राइट आर्किल। इसका फ्यूचर क्या है, मर्ज इन राइट आर्किल, बाद में ये राइट आर्किल में मर्ज हो जाता है, मतलब मिक्स हो जाता है ये। तो जो ये राइट आर्किल है पूरी बॉडी टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रहा है, ये सबसे पहले आप बात सीखे, बॉडी टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है, सॉरी मैंने यहाँ रिसीव लिखा हुआ, अभी पंप की बात तो बहुत दूर है। अब अगर आप लेफ्ट आर्किल देखें तो लेफ्ट आर्किल जो है शुद्ध ब्लड को रिसीव कर रहा है। तो शुद्ध ब्लड को कहां कहां से रिसीव कर रहा है, एक तो ये स्किन से शुद्ध ब्लड को रिसीव कर रहा है, एनसीईआरटी आप मिला लीजिएगा, दूसरा लंग्स से शुद्ध ब्लड को रिसीव कर रहा है, तीसरा गिल्स से शुद्ध ब्लड को रिसीव कर रहा है,
तो कितनी जगहों से शुद्ध ब्लड को ले रहा है? तीन जगह से। और ये तीनों ब्लड, तीनों तरह के ब्लड इसी राइट आर्किल में आके खुल रहे हैं, मतलब लेफ्ट आर्किल में। इसका मतलब लेफ्ट आर्किल में जो ब्लड है वो शुद्ध ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन जो राइट आर्किल है इसमें जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अगर आपको इसी बात को एक्सप्लेन करना होगा तो आप कैसे लिखेंगे? लिखेंगे इस बात को ऐसे लिखें, लेफ्ट आर्किल रिसीव्स, आप एनसीईआरटी देख लीजिएगा यही लिखा हुआ है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट आर्किल रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम एनसीईआरटी ने गजब को लिखा, देखिए फ्रॉम स्किन से, दूसरा गिल्स से और तीसरा लंग से, तीन जगह से इंफीरियंस रिस्पिरेशन करते हैं, तीन जगह से ब्लड को रिसीव करता है, शुद्ध ब्लड को रिसीव करता है। अब आप देखिए बेटा, यहां से राइट आर्किल से यहां से कौन सा ब्लड आएगा? यहां से आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और अगर आप लेफ्ट आर्किल से देखेंगे तो यहां से कौन सा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका मतलब ये जो ब्लड है वेंट्रिकल में जो ब्लड है ये मिक्स ब्लड है। कैसा ब्लड है? मिक्स ब्लड है। यहाँ पर वेंट्रिकल तो एक ही है ना भाई, इसका मतलब ये हार्ट जो ब्लड पंप करेगा, ये हार्ट कैसा ब्लड पंप करेगा? ये हार्ट मिक्स ब्लड पंप करेगा। तो देखिए देखिए लिखिए वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल वेंट्रिकल्स लिख ही नहीं सकते हैं, वेंट्रिकल पंप्स कैसा ब्लड बेटा? मिक्स ब्लड इन द बॉडी। कैसा ब्लड? मिक्स ब्लड इन बॉडी। इस केस में जो मिक्स ब्लड है वो मिक्स ब्लड है जिसे वेंट्रिकल्स पंप कर रहे हैं, इसलिए इसे हम लोग इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो अब आपके मन में आएगी भाई इनकम्प्लीट क्यों कहा गया, यहाँ कम्प्लीट क्यों नहीं कहा गया? तो अगर मैं आपसे पूछूं ये इनकम्प्लीट क्यों लिखा गया है, इनकम्प्लीट शब्द इसलिए लिखा गया है कि वेंट्रिकल जो ब्लड पंप कर रहे हैं वो कैसा ब्लड पंप कर रहे हैं? मिक्स ब्लड पंप कर रहे हैं, इसलिए वहां पर इनकम्प्लीट टर्म लिखा गया है। तो इसीलिए यहां पर क्या लिखा गया? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब अगर आप देखें अगली जो हेडिंग है जिसे हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि डबल सर्कुलेशन क्या है। यहां देखें इनकम्प्लीट सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन में फर्क क्या है, क्यों ऐसा नाम है कि वहां पर इनकम्प्लीट लगा है और यहां पर इनकम्प्लीट हट गया है। ये देखिए डबल सर्कुलेशन क्या है। तो अगर आप डबल सर्कुलेशन के बारे में देखें तो जैसे आपने लिखा है तो आप देखें इट इज फाउंड इन, ऐसे लिख सकते हैं, इट इज फाउंड इन ऐसे लिख दें क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल कौन है? रेप्टाइल है। ये देखिए क्रोकोडाइल, इट इज फाउंड इन क्रोकोडाइल। फिर देखिए एवीज माने हुआ चिड़िया में, एंड मैमल्स, इन चार जगहों में जो आपको हार्ट दिखाई पड़ेगा वो फोर चैम्बर का हार्ट दिखाई पड़ेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे डबल सर्कुलेशन कहाँ पाया जाता है, तो डबल सर्कुलेशन पाया जाता है क्रोकोडाइल में, बर्ड्स में और मैमल्स में, जहां पर हार्ट चार चैम्बर का है। तो इन सारे केसेस में अगर आप देखें तो हार्ट जो है चार चैम्बर का हार्ट है, चार चैम्बर का हार्ट है। इन चैम्बर्स पे दो आर्किल्स हैं, मतलब ऊपर के दो चैम्बर आर्किल्स हैं और यहाँ पर दो वेंट्रिकल्स हैं। दो आर्किल्स हैं, दो वेंट्रिकल्स हैं, मतलब वेंट्रिकल्स यहाँ से प्लेट हैं, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड से प्लेट रिसीव किया जाता है और से प्लेट पंप किया जाता है। अगर आपको इसकी मीनिंग लिखना होगा तो आप लिखेंगे, अगर आपको लिखना है तो इट रिसीव्स, देखें इट रिसीव्स सेपरेटली, इट रिसीव्स एंड पंप्स, एक साथ कर सकते हैं, इट रिसीव्स एंड पंप्स सेपरेटली, इट रिसीव्स एंड पंप्स सेपरेटली both deoxygenated and oxygenated pump blood, both deoxygenated एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये देखिए क्या यही चीज हम इधर भी ले सकते हैं? अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने कहा कि यहाँ पर डी ऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव
अलग अलग किए जाते हैं, अलग अलग पंप किए जाते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा देखें, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रिसीव तो किए जाते हैं, लेकिन पंप यूनिफॉर्मली किए जाते हैं, एक साथ किए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर इनकम्प्लीट है। वहां पर सेपरेटली पंप किए जाते हैं, इसलिए वहां पर कम्प्लीट है। अगर आप इसी चीज को ऐसे सिंपली देखें, एक बेसिक सा फिगर बनाई, भाई मान लीजिए ये हमारा हार्ट है जो चार चैम्बर का हार्ट है, ये देखिए ऐसे आपने बना दिया। तो अगर आपको ये हार्ट बनाना है तो आप पहले इस तरफ वाला मेंटेन कर लें कि जो राइट साइड का लेफ्ट साइड का हार्ट है ये शुद्ध ब्लड को रिसीव करेगा, शुद्ध ब्लड को पंप करेगा। तो अगर आप इसका नाम देखना चाहते हैं, ये देखिए इस तरफ वाला जो हार्ट है मतलब राइट साइड वाला हार्ट, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा। नाम देखिए, इसका नाम है राइट आर्किल और इसका नाम है राइट वेंट्रिकल। ये दोनों हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करते हैं। अगर आप इसका नाम देखते हैं तो इसका नाम है लेफ्ट आर्किल और इसका नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट को मैंने दो अलग अलग पेज बनाया है, इसे मैं रेड मान के चलता हूं क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रहा है। अगर आप देखें तो ये है हमारे बॉडी टिश्यूज, मतलब पूरी बॉडी के टिश्यूज है, ये बॉडी के टिश्यूज है जहां पर इनको चाहिए क्या, इनको चाहिए ऑक्सीजन बॉडी टिश्यूज को। तो बॉडी टिश्यूज है और अगर आप देखें तो ये जगह है जिसे हम लोग फेफड़ा कह रहे हैं, फेफड़े है, लंग्स मतलब एल्वियोलाई है। तो अगर आप देखें सर्किट को समझने का प्रयास करें, सर्किट कैसी है, तो इन बॉडी टिश्यूज से, पूरी बॉडी के टिश्यूज से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्किल में आता है। ये देखिए मैंने यहां पर लिख दिया कि इस ब्लड के CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है। सिंपल सी बात सीखे, मतलब पूरी बॉडी जो हमारी है, हाथ पैर नाक जो भी आप पूरी बॉडी समझते हैं, सूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस राइट आर्किल में आता है। तो हार्ट ने पहली बार ब्लड को रिसीव किया, ये राइट आर्किल में आया हुआ ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल से आया हुआ ब्लड, ये देखिए एकमात्र सिंगल आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करती है, ले जाती है। ये देखिए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहां ले जा रही है फेफड़े के पास, इसमें भी किसका कंसंट्रेशन हाई है, इसमें भी CO2 का कंसंट्रेशन हाई है, मतलब जो ब्लड रिसीव हुआ उसमें भी CO2 का कंसंट्रेशन हाई है और जो ब्लड फेफड़े के पास गया उसमें भी CO2 का कंसंट्रेशन हाई है। इस फेफड़े में जाने के बाद, फेफड़ा बहुत छोटा है जैसे लग रहा है किसी छोटे बच्चे का फेफड़ा में पकड़ के लाया हूं, लेकिन आप चिंता मत करें, मार्कर अपने पास है, बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हो ये रहा है कि इस फेफड़े के अंदर CO2 चली जा रही है। मैं भी आपको डिटेल पढ़ाऊंगा, आप इतना छोटा फेफड़ा देखिए मुस्कुराइएगा मत कि अरे यार एन टी शर्ट ने तो बड़ा छोटा सा फेफड़ा बना दिया है, क्या करूं, दिल तो क्या है। मैं अगर आपसे पूछूं दिल क्या है तो आप कहेंगे सर दिल तो बच्चा है जी, दिल तो क्या है, बोलिए भाई दिल तो, बोलो यार बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी। तो जब दिल बच्चा है तो मैंने भी छोटे से फेफड़ा बना दिया, यही तो काम किया और क्या किया। तो आप देखिए यहां से O2 आएगी ब्लड में, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फेफड़े से ब्लड चलेगा ये किधर आएगा, लेफ्ट आर्किल में आएगा। इस ब्लड में किसका लेवल हाई है, O2 का। क्यों हाई है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर इसका इसलिए हाई है क्योंकि यहां से शुद्ध ब्लड आ रहा है हार्ट के लिए। अब ये राइट आर्किल से ब्लड कहां, लेफ्ट आर्किल से कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को बॉडी टिश्यूज के पास फिर से भेज देगा। बॉडी टिश्यूज के पास कैपिलरीज है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। अगर आप देखें तो राइट साइड का हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर रहा है, लेफ्ट साइड का हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछो कि लेफ्ट वेंट्रिकल में से ब्लड पंप करने से पहले हार्ट में ब्लड कितनी बार आया, तो अगर आप देखें तो पहली बार हार्ट में ब्लड यहां आया राइट आर्किल में और दूसरी बार आया लेफ्ट आर्किल में। जब दो बार आया हार्ट में ब्लड पंप करने से पहले, इसलिए इस तरह के सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ध्यान से देखिए मैंने लिखा इट रिसीव्स एंड पंप्स सेपरेटली, रिसीव भी कर रहा है पंप भी कर रहा है सेपरेटली। देखिए राइट आर्किल लेफ्ट आर्किल दो अलग अलग ब्लड को रिसीव कर रहे हैं, राइट आर्किल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है, लेफ्ट आर्किल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है और सेपरेटली पंप भी कर रहे हैं।
देखिए यहाँ ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो रही है, अगर ब्लड की मिक्सिंग हो जाती तो बच्चे को ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता। बोलो क्या हो जाता? ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता। इस तरह से अगर आप देखें तो ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट है जिसके द्वारा काम चल रहा है। अगर आप इस सर्किट का नाम लिखना चाहते हैं तो नीचे वाली सर्किट जो है इसका नाम सिस्टेमिक सर्किट है, क्योंकि ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में है। कौन सा है? सिस्टेमिक सर्किट है ये नीचे वाली सर्किट है। जैसे आप बोर्ड वगैरह में देखते हैं उस तरह की एक सर्किट है जो काम हो रहा है, क्योंकि ये ब्लड हार्ट लंग्स में आ रहा है। लंग्स के लिए हमेशा पल्मोनरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस सर्किट को हम लोग पल्मोनरी सर्किट कहते हैं। मतलब ऊपर वाली सर्किट को पल्मोनरी सर्किट कहते हैं और नीचे वाली सर्किट को हम लोग सिस्टेमिक सर्किट कहते हैं। या इसी बात को और अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो बस आप इतना भी समझें कि डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ। डबल सर्कुलेशन का सिंपल सा मतलब हुआ, लेफ्ट पेंटिकल के द्वारा ब्लड पंप करने से पहले इस लेफ्ट पेंटिकल में के द्वारा ब्लड पंप करने से पहले इस हार्ट पे ब्लड दो बार आया, एक बार राइट आर्किल में आया, एक बार लेफ्ट आर्किल में आया। राइट आर्किल में जो ब्लड आया वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लेफ्ट आर्किल में जो ब्लड आया वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। मुस्कुराते रहें, ध्यान देते रहें। ऐसा इसलिए है कि दिल तो क्या है, दिल तो बच्चा है जी। तो अब आपको मैंने ये बात पढ़ाई कि डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ, कि वो हार्ट जो शुद्ध ब्लड को पंप करे और रिसीव करे, इस तरह के हार्ट को हम लोग डबल सर्कुलेशन वाला हार्ट कहते हैं। अब मायने ये रखता है कि अगर आपको समझ में आई ये बात, जिस पाइप के द्वारा बॉडी टिश्यूज में ब्लड जा रहा है इस पाइप को हम लोग सिस्टेमिक एवर्टा कहते हैं। ये आर्क टाइप दिखाई पड़ती है इसलिए इसको सिस्टमिक आर्क भी कहते हैं। फिर समझ लें, जो पंप बॉडी में शुद्ध ब्लड लेके जा रहा है लेफ्ट पेंटिकल से, जो पाइप है इसे सिस्टमिक एवर्टा या आर्टरी कहते हैं। तो अगर आप डिफरेंस देखें, किसका डिफरेंस देखें कि बर्ड्स के हार्ट में और मैमल्स के हार्ट में क्या डिफरेंस है, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो अगर आप एवियन हार्ट देखें, अगर आप एवीज में देखें, एवीज में देखें मतलब चिड़िया में देखें, तो जो सिस्टमिक हार्ट है, सिस्टमिक आर्क जो है, या जो सिस्टमिक एवर्टा है, चाहे एवर्टा कह दें और चाहे आर्क कह दें, इनकी संख्या बर्ड्स में दो है। मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से दो सिस्टमिक एवर्टा निकलती है जो पूरे बॉडी में ब्लड को पहुंचाती है। तो बताइए अगर किसी एक मोटर से जहां से पानी निकल रहा है दो पाइप ब्लड लेके जाए तो प्रेशर कम होगा कि ज्यादा होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि चिड़िया की बॉडी की साइज छोटी है इसलिए सिस्टमिक एवर्टा नेचर ने दो रखी है। लेकिन अगर आप मैमल्स में देखें, मतलब मैमल्स का केस देखें, तो मैमल्स के केस में आप ये देखेंगे, मैमल्स के केस में देखेंगे कि ये जो सिस्टमिक एवर्टा है, मतलब ये जो हमारी सिस्टमिक आर्क है, चाहे जो ये सिस्टमिक एवर्टा है, इसकी संख्या मैमल्स के केस में एक है। मतलब अगर आपको ये पाइप दो दिखाई पड़ रही है तो किसका हार्ट है? चिड़िया का। समझ रहे हैं इस बात को? समझ रहे हैं इस बात को? लेकिन अगर ये पाइप एक दिखाई पड़ रही है तो ये हार्ट आपका है, दिल आपका है, दिल आपको थाम के बैठना है। तो दिल को ऐसे थाम के नहीं बैठना है, दिल कोई थाम बैठता उड़ता नहीं है, इसे सब बेवकूफी कहते हैं, और जो थाम बैठता है उसके माथे पे सी लिखा रहता है, इसका ध्यान रखें। तो चिड़िया के केस में सिस्टमिक एवर्टा की संख्या दो है, लेकिन मैमल्स के केस में सिस्टमिक एवर्टा की संख्या एक है। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है जो आपको सीखना है। तो अब इनकम्प्लीट और कम्प्लीट का मतलब आपको मुझे लगता है समझ में आ गया। यहाँ इनकम्प्लीट इसलिए रखा गया है क्योंकि वेंट्रिकल मिक्स ब्लड पंप कर रहा है, यहाँ पर कम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इसलिए रखा गया है कि वेंट्रिकल सेपरेटली अलग अलग ब्लड को पंप कर रहे हैं बॉडी में, अलग रिसीव भी कर रहे हैं और अलग पंप भी कर रहे हैं बॉडी में हार्ट ब्लड। बट आइए हम लोग ह्यूमन हार्ट देखते हैं। मतलब हार्ट देखना नहीं है, फिगर समझना है कि जो ये दिल है, ये जो धड़क रहा है, जो पूरी बॉडी में पंप कर रहा है, इस दिल की लोकेशन क्या है, इस हार्ट की लोकेशन क्या है, इस हार्ट का फंक्शन क्या है, इस हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ओरिजिन कैसी है, सारी बातें हम लोग सीखते हैं। तो अगर आप ह्यूमन हार्ट को देखें तो ह्यूमन हार्ट जो है, सबसे पहले अगर आप देखें तो ह्यूमन हार्ट जो है ये वेंट्रल साइड में पड़ा हुआ है। सबसे पहले ये वेंट्रल साइड में पड़ा हुआ है, मतलब हमारे हार्ट में बॉडी में वेंट्रल साइड में पड़ा हुआ है। सबसे पहले तो यही शुरू किया जाए। अगर इस हार्ट की आप लोकेशन देखें, अच्छा दूसरी बात
चार चैम्बर का हार्ट है, ये तो मैंने भी आपको सिखा ही दिया है, ये तो बहुत बेसिक बात है, चार चैम्बर का हार्ट है, चार चैम्बर का हार्ट है। तीसरी बात है कि ये मस्कुलर है, मस्कुलर मतलब किसका बना है, मसल्स का बना है, किस मसल्स का बना है, मस्कुलर माने किस मसल का बना है, तो आप कहेंगे अरे सर 32 बार आपने बता दिया, एक बार और बता दीजिए, कार्डियक मसल का बना हुआ है। अब देखिए ये तो बहुत बेसिक सी बात है, हार्ट कैसा है, अगर आपसे कहूँ कैसा हार्ट है तो आप कहेंगे सर ये भी लिख दीजिए, अब आपको मन है तो हम तो रोक पाएंगे नहीं, आप लिख ही देंगे, तो हमने कहा लाओ लिख ही देता हूँ, हार्ट मायोजेनिक हार्ट है, हमारा हार्ट जो है मायोजेनिक हार्ट है, चार चैम्बर का है, वेंट्रल साइड में है, मस्कुलर है, ये सब बेसिक बातें हैं जिसकी कोई मतलब नहीं है। अगर हम लोग लोकेशन देखें कि हमारा हार्ट है कहाँ पे, तो अब आप लोकेशन देखें, लोकेशन जो है अगर हार्ट की हम लिखे कि ये हार्ट जो है प्रेजेंट इन मेरिस्टाइनल स्पेस, अब ये एक नया शब्द आ गया एनसीईआरटी ने जो फट से उठा के आपके सामने रेल दिया। अब कहा बेटा पहले तुम ये पता करो कि मेरिस्टाइनल स्पेस कहाँ है, सबसे पहले यही बात चलिए। तो अगर मेरिस्टाइनल स्पेस आपको समझना है तो आप ऐसे समझिए, समझिए इस बात को, बिल्कुल समझिए इस बात को, जरूरी है ये। जैसे सोचिए ये हार्ट हमारी जो हमारा सीना है, उस सीने के बीचों बीच एक बोन है, ये देखिए इस बोन का नाम है स्टर्नम। अगर आपको ये बात भी नहीं समझ में आ रही कि स्टर्नम कहाँ है, तो सोचिए जहां पर हमारी टाई लटकी रहती है, ये जो हड्डी है जो बीच वाली जो फ्लैट बोन है, इसे है स्टर्नम या चेस्ट बोन कहते हैं, मतलब बीच में है। पीठ के ठीक पीछे अगर आप देखें, पीठ के ठीक पीछे अगर आप देखें तो एक खास तरह का कॉलम पड़ा है, पीछे एक खास तरह का बॉडी का सपोर्ट है, ये देखिए इस बॉडी के सपोर्ट को हम लोग, इस पूरी बॉडी के सपोर्ट को हम लोग मेरिस्टाइनल इसे हम लोग वर्टिकल कॉलम कहते हैं। वर्टिकल कॉलम जो है पीठ के पीछे है, ये देखिए वर्टिकल कॉलम है, मैंने लिख दिया भाई ये वर्टिकल कॉलम है। ये किधर है, डॉर्सल साइड में, किस साइड में है, डॉर्सल साइड में है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पीठ की तरफ है, हिंदी में लिख देता हूँ आपको समझ में आएगा कि ये पीठ की तरफ है, मतलब पीछे की तरफ है। ये किधर है, वेंट्रल साइड में है, वेंट्रल साइड में है मतलब हमारे फ्रंट पे है, ये देखिए। अगर आप देखें तो ये स्टर्नम है, पीछे जो है वर्टिकल कॉलम है। अब आपको ये पता है ना कि ह्यूमन में जो है 12 पेयर रिब्स होती है, मतलब जो रिब्स हैं हमारे यहाँ वो 12 पेयर रिब्स है, 12 जोड़ी रिब्स हैं, इसका मतलब 12 रिब्स इधर से आती हैं, 12 रिब्स इधर से आती हैं। इन 12 रिब्स 12 पेयर रिब्स में फर्स्ट 7 पेयर जो है, फर्स्ट 7 पेयर जो होती हैं उन्हें टू रिब्स कहते हैं। हम आपको क्यों सिखा रहे हैं, अभी आप अपने आप समझ जाएंगे हम आपको एक्चुअली सिखाना क्या चाहते हैं। फर्स्ट 7 पेयर जो है टू रिब्स हैं। तो अगर आप ये देखिए तो रिब्स जो है पीछे वर्टिकल कॉलम से आती हैं, तो ये देखिए आप इसे जोड़ना शुरू करिए, ये पहली है, ये दूसरी है, ये देखिए तीसरी है, ये देखिए चौथी है, ये देखिए पांचवी है, ये छठवीं है, ये सातवीं है, सात पेयर हो गई। तो जैसे इधर से ये सात आई है, उधर से भी सात आई होंगी, कॉमन सेंस की बात है। फिर देखिए अब इसमें जो है ये 8 नंबर की, ये देखिए ये 8 नंबर की, ये देखिए 9 नंबर की, और ये 10 नंबर की, ये ऐसे आके सातवीं से जुड़ जाती है रिप्स, 8 नंबर की, 9 नंबर की, 10 नंबर की, सातवीं से आके जुड़ जाती है। तो ये देखिए 8th, ये देखिए 9th और 10th, ये सातवीं से आके जुड़ जाती हैं। बची कौन कौन सी, अगर आप इसको पूरा कर लें तो बची दो और हैं, ये देखिए 11 नंबर की और 12 नंबर की, ये ऐसे फ्री हैं दोनों तरफ से, मतलब इधर से भी फ्री हैं और इधर से फ्री फ्री हैं। कौन कौन नंबर से, अगर आप यहां लिखना चाहें 11 नंबर की और कौन सी 12 नंबर की। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारी रिप्स जो स्टर्नम से नहीं जुड़ती हैं, इन्हें जनरली हम लोग फाल्स रिप्स कहते हैं। इसमें भी तमाम बातें हैं, हम इसको और ज्यादा खींचना नहीं चाहते हैं। मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि 8, 9, 10 नंबर की जाके सातवीं जुड़ जाती है, 11, 12 फ्री रहती है। तो 11, 12 जब फ्री रहती है तो आप देखिए यहाँ पर एक स्पेस बन जाता है, अगर आप ऐसे उंगली से दबाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा, और बेटा इसी स्पेस को हम लोग मेरिस्टाइनम स्पेस कहते हैं।
तो मेरिस्टाइनल स्पेस क्या है? अब मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सर मेरिस्टाइनल स्पेस जो है 11-12 की जो फ्री है, ये जो लोकेशन है, अगर हम इसको ऐसे सर्किल कर दें, आप समझने का प्रयास करें, ये जो लोकेशन है जिसको मैंने सर्किल कर दिया है, ये जो स्पेस है इसी को हम लोग मेरिस्टाइनल स्पेस कहते हैं। इसलिए लिखा है इन्होंने प्रेजेंट इन मेरिस्टाइनल स्पेस 12 पेयर रिब्स की खास बात है। एक बात और आप ले सकते हैं, यहाँ पर लास्ट टू रिब्स, ये देखिए लास्ट टू रिब्स प्रोटेक्ट हार्ट, जो लास्ट के दो रिब्स हैं वो हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट द हार्ट, मतलब लास्ट के दो रिब्स हैं वो हार्ट को क्या करती है बेटा, प्रोटेक्ट करती है। कौन कौन सी लास्ट के दो रिब्स हैं? अगर आपसे पूछे कोई तो आप कहेंगे सर 11 नंबर की है, 12 नंबर की है। फिलहाल अभी भी लोकेशन क्लियर नहीं हुआ है, तो आपने पहले लिखा प्रेजेंट इन मेरिस्टाइनल स्पेस, यहाँ लिखा है। अगर लोकेशन को और क्लियर करना चाहें तो ये एक चीज आपसे और कहेगा, द हार्ट इज टिल्टेड, टिल्टेड माने पहले आप समझ जाए, टिल्ट कर जाना, TILT, जैसे मैं सीधे खड़ा हूं और मेरा सिर अगर हल्का सा ऐसे कर गया तो टिल्ट कहा जाता है, मतलब ऐसे सीधे ना खड़ा होके, जैसे ये है मार्कर, ये हल्का सा टिल्ट कर जाए, हल्का से रोटेट कर जाए, तो हार्ट इज टिल्टेड इन कार्डियक नोच। अब आपको ये सब समझना पड़ेगा यार, ये कार्डियक नोच क्या होता है, क्या NCERT में इसका भी कहीं चर्चा है? तो मैं अगर आपसे पूछूं ये मैंने जो रिब्स पढ़ा है किस चैप्टर में मिलेगा, तो आप कहेंगे सर तो बहुत बेसिक बात है, ये तो हमको बोन्स वाले चैप्टर मिल जाएगा। तो अब कार्डियक नोच अगर आपको पढ़ना है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए इसको भी आप समझ लीजिए, ये हमारी बॉडी में वो लोकेशन है जिसे हम लोग लैरिंग्स कहते हैं। मैं चाहता हूं कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन हार्ट किया जाए, लैरिंग्स कहते हैं, लैरिंग्स के नीचे ठीक ये एरिया है जिसे हम लोग ट्रेकिया कहते हैं, ट्रेकिया, ये देखिए। अब इस ट्रेकिया से ऐसे दो खास तरह के वेल्यूज निकलते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पर लंग्स का फॉर्मेशन होता है, ये देखिए दो वेल्यून जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं जिन्हें हम लंग्स कहते हैं। ऐसे इधर भी एक लंग्स को बनता है, तो अगर आप देखिए तो ये राइट साइड का है और ये लेफ्ट साइड का लंग्स है, ये देखिए ये कौन सा है, इसमें तीन बड़े बड़े कॉलम बनते हैं, ये किस साइड का है, ये राइट साइड का फेफड़ा है, ये राइट साइड का फेफड़ा है, ये किस साइड का है, लेफ्ट साइड का है। इसी लेफ्ट साइड के फेफड़े में अगर आप देखें तो यहाँ एक स्पेस है, ये जगह है, इसी स्पेस को हम लोग कार्डियक नोच कहते हैं। तो हार्ट का जो सिर होता है वो इसी कार्डियक नोच में जाके घुस जाता है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। तो कार्डियक नोच ऑफ कौन सा लंग्स लिखें, अगर पूरी बात लिखें तो आप लिखिए कार्डियक नोच ऑफ लेफ्ट लंग्स, पूरी बात लिख दीजिए, और आप यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे हार्ट बना भी दीजिए कि सर देखिए जो हार्ट है ये इसी कार्डियक नोच में जाके इसे घुस जाता है, ये हमारा ह्यूमन हार्ट है। तो अब आपको मैंने बता दिया क्या बेटा, लोकेशन। तो एक तो ये 11-12 नंबर की जो रिब्स है, जो स्पेस इसे मेरिस्टाइनल स्पेस कहते हैं। अच्छा, ये जो लेफ्ट साइड में हो गया, तो हार्ट किस तरफ टिल्ट किया है, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में? आप कहेंगे सर लेफ्ट साइड में ये रहता है। तो आप सोचिए कितनी लोकेशन इसकी टिपिकल है कि आपको एक सब सीखना है कार्डियक नोच लेफ्ट फेफड़े का, और दूसरा आपको सीखना है मेरिस्टाइनल स्पेस, मेरिस्टाइनल स्पेस, ये दो शब्द आपको सीखने हैं, बिना इसके सीखे आपको कल्याण नहीं है। मैं दोनों अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको बात समझ में आए। तो कार्डियक नोच लेफ्ट लंग में है और मेरिस्टाइनल स्पेस 11 नंबर की जो रिब्स 12 नंबर की है, जो यहाँ पर स्पेस है उसी स्पेस में ही पाया जाता है। तो ये हो गई इसकी क्या कहते हैं लोकेशन। लोकेशन के बाद अगर आप इसकी साइज देखें, हार्ट की अगर आप साइज देखें तो इसकी जो साइज है ये क्लेंस्ड फिस्ट जैसी है, क्लेंस्ड फिस्ट NCERT में लिखा हुआ है, मतलब आपका जो हार्ट है, जो आपका हार्ट है अगर आप इसकी हिंदी समझना चाहते हैं तो अगर आप बंद मुट्ठी, अगर आप मुट्ठी बंद करें अपनी, तो जितनी बड़ी आपकी बंद मुट्ठी होगी उतना बड़ा हृदय होगा, मतलब मेरा हृदय इतना बड़ा है जितना मेरा हार्ट है, हार्ट मेरा मेरी बंद मुट्ठी के जैसा है, इसी के लिए हम लोग कहते हैं कि साइज जो है इसकी क्लेंस्ड फिस्ट जैसी है। अब आप देखें इसकी अगर आप ओरिजिन देखें कि हार्ट की ओरिजिन कैसी है, तो देखिए हार्ट जो है ऐसे पहले आप लिख लें कि हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ
कंपोज्ड ऑफ, हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ कौन सी मसल्स? आप कहेंगे सर हार्ट जो है ये खास तरह की मसल्स हैं, इन मसल्स को हम लोग कार्डियक मसल्स कहते हैं। अब कार्डियक मसल्स जो हैं ये मसल्स हैं, तो अगर आप कार्डियक मसल्स देखें तो ये कार्डियक मसल्स के बारे में कि हार्ट जो है ये बना है किसका, कार्डियक मसल्स का। हार्ट के केस में इन कार्डियक मसल्स को जनरली हम लोग मायोकार्डियम कहते हैं। पहले आप ये समझ लें क्या कहते हैं मायोकार्डियम। बेटा जितने भी मसल्स हैं बॉडी की, जितनी भी बॉडी की मसल्स हैं, सारी मसल्स की जो ओरिजिन है वो कैसी है, मेसोडर्मल है। मतलब मेसोडर्मल है, इसका मतलब ह्यूमन हार्ट की ओरिजिन किससे है, ह्यूमन हार्ट की ओरिजिन किससे है, मेसोडर्म से है। तो अब आपको मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया, इसकी लोकेशन बताई, साइज बताया, ओरिजिन बताई, लोकेशन बताई, साइज बताई, ओरिजिन बताई। अब अगर आप इस मायोकार्डियम को देखें, ये जो मायोकार्डियम है इसको देखें तो ये स्ट्रक्चरली स्ट्रिएटेड है। स्ट्रक्चरली क्या है, स्ट्रिएटेड है, मैं अभी आपको फिगर बना के सिखाऊंगा। स्ट्रक्चरली स्ट्रिएटेड है, स्ट्रिएटेड उन्हें कहा जाता है, उन मसल्स को कहा जाता है जो मसल्स जिनमें ए बैंड और आई बैंड होता है, ए बैंड एंड आई बैंड अल्टरनेट होते हैं, ऐसी मसल्स को हम लोग स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं। ए बैंड और आई बैंड अल्टरनेट होते हैं, इन मसल्स को लोग स्ट्रिक्टली स्ट्रिएटेड कहते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ये फंक्शनली स्मूथ है, आपको ये बात सीखनी है, फंक्शनली स्मूथ है। फंक्शनली क्या है, स्मूथ है, क्योंकि इन मसल्स का, पहली बात तो ये मसल्स जो है, ये जो कार्डियक मसल्स है, ये ऑटो एक्साइटेबल है। क्या है बेटा, ऑटो एक्साइटेबल है, सबसे पहली बात आप ये सीख लें, ऑटो एक्साइटेबल है, फंक्शनली स्मूथ है। इसका अगर आप सेंस निकालें, फंक्शनली स्मूथ मतलब इनका जो रेगुलेशन है, रेगुलेटेड बाई ये देखिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इन मसल्स का जो रेगुलेशन है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि ये फंक्शनली स्मूथ है, ये जो कार्डियक मसल्स है। तो ये हार्ट के जो चैम्बर्स हो गए, मतलब अभी तो मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा, और अगर आपको लिखना है तो ये ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया रिच है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बेटा, रिच है, अभी आपको डिटेल पढ़ाऊंगा। एक चीज और आप देखें, ब्लड सप्लाई टू हार्ट, एक टॉपिक छोटा सा आप देख लें, ब्लड सप्लाई टू हार्ट, आप ब्लड जो है हार्ट में, शुद्ध ब्लड की सप्लाई कौन कर देता है? तो अगर आप ब्लड सप्लाई टू हार्ट देखते हैं, शुद्ध ब्लड की सप्लाई हार्ट को कौन दे रहा है, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो ये देखिए, एक खास तरह की आर्टरी है, इस आर्टरी का नाम पल्मोनरी आर्टरी है, देखिए, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, जोश में आदमी अपने ग्लूकोज खराब कर देता है। ये देखिए एक खास तरह की आर्टरी है जिसे हम लोग कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, कौन सी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, ये आर्टरी है, इट सप्लाइज, अगर आप लिखना चाहें तो इट सप्लाइज कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू हार्ट, ये हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करता है कोरोनरी आर्टरी। ये भी दो होती हैं, एक राइट होती है और एक लेफ्ट होती है, ये देखिए। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि ये तो शुद्ध ब्लड हो गई, जो हार्ट की वेंस हैं उन्हें हम लोग कोरोनरी साइनस कहते हैं, ये क्या है, कोरोनरी साइनस, इसका भी जिक्र होगा, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको। कोरोनरी टर्म लगा मतलब अगर कोरोनरी लग गया तो हार्ट की सप्लाई से मतलब है वेंस ऑफ हार्ट कैरी कौन सा ब्लड बेटा, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, मतलब ये हार्ट में डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड को कैरी करके राइट आर्टरी में ले आके फिर से हार्ट ब्लड को डाल देती है,
एंड ड्रेन इनटू, ये भी पूरी बात लिख दे, एंड ड्रेन इनटू आर ए मतलब बेटा राइटर की। तो ये हार्ट से डी आर्टिकल वर्ड को ले आती है और हार्ट के राइट आर्टिकल में ड्रेन कर देती है, मतलब डाल देती है। तो शुद्ध ब्लड की सप्लाई कोरोनरी आर्टरी करती है हार्ट में, और अशुद्ध ब्लड की सप्लाई कौन करता है? कोरोनरी साइनस करते हैं।